कभी कभी डेस्टिनेशन के साथ साथ जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल होता है और ये रोड उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या आप बैंगलोर के आसपास वन डे ट्रिप के लिए प्लेसेस ढूंढ रहे हो? इफ यस, देन दिस वीडियो कैन हेल्प यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 3 प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जो आप बैंगलोर से वन डे ट्रिप में इजीली प्लान कर सकते हो और ये 3 प्लेसेस आप एक ही दिन में घूम पाओगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर सूटकेस, माय नेम इज शायोनी। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल में नए हो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 15 जुलाई सैटरडे, टाइम अभी हुआ है 6:30। आज हम लोग जा रहे हैं चुंची फॉल्स, मेकेदातु एंड संगमा। बेसिकली ये एक वन डे ट्रिप है। सबसे पहले आज हम जाएंगे चुंची फॉल्स। बैंगलोर से इसका डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। सो लेट्स गो। क्योंकि हम मॉर्निंग में निकल गए थे तो हमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था। यहाँ से लेफ्ट में कनकपुरा रोड लेना होगा हमें। ये राइट साइड में अभी हम क्रॉस कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है, 1 आवर के आसपास टाइम लग जाएगा। आज वेदर काफी प्लीजेंट है, आई एम जस्ट होपिंग कि बारिश ना हो आज। इस रोड में लास्ट 20 किलोमीटर की सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं, ये पार्किंग एरिया है चुंची फॉल्स का। यहाँ पे 1-2 ऐसे शॉप्स हैं, आप यहाँ से वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकते हो और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। हमने भी यहाँ पे ही ब्रेकफास्ट किया था इस दिन। ये क्रॉस करके हमें जाना होगा उस तरफ। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाना होगा। तो पार्किंग करने के बाद आपको थोड़ा वॉक करना होगा। Try to carry water bottle with you. चुंची फॉल्स में वॉशरूम नहीं है, सो लेडीज अगर आप यहाँ पे आ रहे हो प्लीज कीप दैट इन माइंड। यहाँ पे ना ऐसे मार्क किया हुआ है, हम बस उसे ही फॉलो कर रहे हैं। एंड फाइनली हम पहुंच गए चुंची फॉल्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बट यहाँ पे नीचे जाना अलाउड नहीं है। कुछ लोकल्स थे यहाँ पे जो आपको नीचे लेके जाएगा, बट वो लोग चार्ज कर रहे थे इसके लिए, दैट्स वाई हम नहीं गए। इफ यू वांट यू कैन इजीली गो। पार्किंग चार्ज है 30 रुपीज। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं संगमा, जिसका डिस्टेंस है चुंची फॉल्स से 14 किलोमीटर। ये गेट है, हम यहाँ पे एंट्री करने के लिए रुके हैं। संगमा घुसने की 8 किलोमीटर पहले आपको नाम और एड्रेस एंट्री करना होगा। हम थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं। ये रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है, चारों तरफ पहाड़ है, बहुत ब्यूटीफुल है। कभी कभी डेस्टिनेशन के साथ साथ जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल होता है और ये रोड उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हम पहुंच गए हैं संगमा। यहाँ पे भी पार्किंग चार्जेस 30 रुपीज है।
राइट नाउ आई एम एट संगमा। ये बेसिकली एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है कावेरी एंड अर्कावती रिवर का। मेकेदातु जाने के लिए हमें गाड़ी पार्क करने के बाद रिवर क्रॉस करके बस में जाना होगा। पानी ज़्यादा नहीं है तो आप इजीली रिवर क्रॉस कर सकते हो और पानी बहुत क्लीन भी है। हम लोग उस साइड से आए हैं। यहाँ पे कोराकल राइड भी होता है तो अभी तो पानी कम है तो ऐसे ही रिवर क्रॉस करके हमें आना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत क्लीन है आप इजीली यहाँ पे फिश को स्पॉट कर पाओगे। I can clearly see people are having really good time here. We are just roaming around, taking photograph and having fun in between. This is too good. अभी हम बस के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम मेकेदातु जाएंगे बस में। उधर से हमें जाना होगा मेकेदातु। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये वो रिवर है। बस चार्ज है 60 rupees पर पर्सन। रास्ते से हमें जाना होगा। मेकेदातु का मतलब है गोट स्लीप और बकरी की छलांग। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक टाइगर एक गोट को चेस कर रहा था एंड उस समय गोट ने अपनी जान बचाने के लिए क्लीफ की एक साइड से दूसरे साइड में जाम करा था। बट टाइगर जाम नहीं कर पाया और उसने उस गोट का पीछा करना छोड़ दिया। सो इस इंसिडेंट के कारण यहाँ के लोकल्स इस जगह को मेकेदातु बुलाते हैं। दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल। एजेड लोगों के लिए यहाँ पे जाना एडवाइजेबल नहीं है। रॉक्स बहुत ही स्टीफ होता है एंड बारिश के टाइम स्लीपरी भी हो जाता है तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना होगा आप जब यहाँ पे आ रहे हो। तो लकीली इस दिन बारिश नहीं हुआ था तो हमें एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे स्पेंड करके हम वापस संगमा आ गए। यहाँ पे खाने के लिए मयूरा संगमा बोल के रेस्टोरेंट है। आप यहाँ से इजीली लंच कर सकते हो। अदरवाइज संगमा घुसने के पहले ही ऐसे शॉप्स है जहाँ से आप खा सकते हो एंड वाटर बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स बिस्किट खरीद भी सकते हो। एक्चुअली हमने यहाँ से ही फिश फ्राई खाए थे एंड विच वॉज रियली डिलीशियस। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पहले फिश को डीप फ्राई किया जाता है। उसके बाद ऐसे तावा पे फ्राई करके आपको देंगे। हाँ मीडियम। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे ऐसे ही फिश फ्राई बनता है और ये टेस्टी भी बहुत होता है। सच में बहुत ही अच्छा बना था ये। 2 बज गए हैं। आज हम लोगों का जो जो देखने का प्लान था वो हम देख लिए। अभी हम लोग डायरेक्ट बैंगलोर जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, बाय।